दोस्तों, जूनागढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गिरनार पर्वत। श्रद्धालुओं के लिए गिरनार पर्वत गुजरात में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला तीर्थ स्थल है। गिरनार के बेस को गिरनार तलहेटी भी कहा जाता है, जो जूनागढ़ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का ट्रैक बागेश्वरी गेट से शुरू होता है। 112 किलोमीटर के एरिया में फैला गिरनार पर्वत हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी 5 प्रमुख चोटियां हैं: अंबाजी, गोरखनाथ, गुरुदत्तात्रेय, औधड़, अनुशया और कालिका। मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया आज के इस एपिसोड में आपको दत्तात्रेय चोटी तक लेकर चलूंगा, जहां पहुंचने के लिए 9999 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है, और अपनी गिरनार की ट्रैकिंग के बारे में बताऊंगा। कैसा है रास्ता, कितनी मुश्किल है ट्रैकिंग, क्या क्या सुविधाएं रास्ते में उपलब्ध हैं, अंबाजी टेंपल, जैन कॉम्प्लेक्स, काली माता मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, गुजरात सीरीज के बाकी एपिसोड और पूरी सीरीज स्क्रीन के कॉर्नर में बने आई के निशान पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। किसी ऑटो ने हमें छोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ से किस गेट से क्लाइंब होगा शुरू? लीजिए, ऊपर जाने के लिए 9999 स्टेप्स लेके आप टॉप तक पहुँचेंगे। ये यहाँ बोर्ड इसी चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ से स्टार्ट होकर आप पहुँचेंगे वो टॉप पर, वो है क्लाइंब। स्टेयर्स बनाई गई हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते 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 ऊपर तक पहुँचते हैं। हिल को क्लाइंब करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। हिल का नाम है गिरनार। लोग स्टिक लेकर के चल रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हर कोई लंगड़ा के चलता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, और कुछ लोगों ने शूज़ तक निकाल दिए। दूरबीन लगा करके आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर जो एक जगह बनी है। सुबह गए थे आप लोग? रात में कब स्टार्ट किया? 1 बजे। अच्छा, 1 बजे आप लोग निकले, सुबह पहुंच गए? नहीं नहीं, पहुंचे हम 3 घंटे में। 3 घंटे में पहुंचे और फिर वापस रुके। अब आ रहे हैं हम, रुके 2 घंटा। अच्छा, ऊपर सो गए? फिर सो गए, फिर खाना खाया। ऊपर कोई है क्या देखने के लिए? क्या देखने जाते हैं? तो गिरनार पर्वत यही है ना? यही है। तो लॉर्ड दत्त महाराज वो वहाँ पर, वो स्वर्ग है, इधर स्वर्ग देखना है। अच्छा, इनके कहना है कि अगर स्वर्ग देखना है तो गिरनार पर्वत जाना चाहिए, यहाँ का स्वर्ग है। चलिए देखते हैं कैसा है स्वर्ग का नज़ारा। तो ऊपर देखने लायक जगह क्या? ऊपर व्यू अच्छा रहेगा, तब भी अच्छा है। जैन दरासर का क्या क्या दिखता है ऊपर से नीचे? वो दातर का मेन है ना, वो डूंगर मस्त दिखेगा। लोकेशन बहुत अच्छा है, आप फोटो पाएंगे ना चश्मे में, बैकग्राउंड इतना मस्त आता है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि व्यू इतना अच्छा है ना, आपको मजा ही आएगा कहीं एंगल से भी फोटो, इतना अच्छा है ऊपर, इतना व्यू अच्छा है। जैन दरासर का है ऊपर, और गिरनार का जो अंबाजी का है, दत्तात्रेय का है, तो जो 9999 है ना वो दत्तात्रेय तक का है। अच्छा, लेकिन अंबाजी का ये 5000, तो अंबाजी का ही होगा। सीढ़ियाँ शुरू कहाँ से होती है? वो अभी तो स्टार्टिंग शुरू होता है, अभी आगे से शुरू, आगे से शुरू होगा। तो वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से शुरू हुआ है, तो लगातार सीढ़ियाँ हैं, फिर लगातार सीढ़ियाँ ही, बीच में प्लेन नहीं है ऐसा। क्या प्लेन आएगा? बीच में आएगा, उसको गिनती नहीं करते। आप तो यहाँ जितने ऐसे रहते हैं ना, वो ऊपर तक है, फिर चढ़ाव आएगा, बाद में फिर ऐसा आएगा। सिर्फ अंबाजी का ही चढ़ाव, और एक जो जैन दरासर रहता है ना, तभी वो चढ़ाव बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, तब पैर थोड़ा सा स्टेमिना ले बढ़ानी पड़ती है। ओके, अच्छा रहने वाला एक्सपीरियंस। हमने यहाँ शॉप है, आप इस शॉप से क्लाइंब करने के लिए स्टिक ले सकते हैं। ये बैम्बू स्टिक है, 10 रुपये का किराया है, 30 रुपये आपने पहले देना है, तो 20 रुपये का आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप इसे रिटर्न करेंगे। चलिए, यात्रा शुरू होगी आगे से, क्योंकि सीढ़ियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, 9999 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना है, वो जगह यहाँ नहीं है, इसके बाद आएगा। कंक्रीट की बनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबसे आखिर तक पहुँचने के लिए आपको 5 समिट्स यानी कि 5 अलग-अलग मंदिरों को पार करके जाना होता है। भावनाथ टेंपल, जो भगवान शिवजी महाराज को डेडिकेटेड है, यात्रा में सबसे पहले आएगा। ये भावनाथ मेले के लिए बहुत फेमस है, जब नागा साधु शिवरात्रि मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही इसकी बड़ी मान्यता है।
गुजरात स्टेट लिली परिक्रमा यहाँ पर सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ परिक्रमा करके उन्हें 33 तरह की तीर्थ की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलता है। श्रद्धालु गिरनार पर्वत पूरे साल आते हैं। परिक्रमा गिरनार तलेटी में स्थित भावनाथ मंदिर से शुरू होकर वापस भावनाथ मंदिर पर आकर समाप्त होती है। कार्तिक मास के 11 से 15 तारीख को हर साल ये परिक्रमा शुरू होती है, जिसमें 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु भाग लेते हैं। ये 150 साल पुरानी प्रैक्टिस है। करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं और ये है वो टॉप जहाँ पर दत्तात्रेय महाराज की मजार है। और यहाँ पर जैसे हमारे उधर नॉर्थ में बंदर होते हैं ना, या लंगूर नजर आएंगे बहुत सारे। इतने सारे स्टेट्स हैं तो क्लाइम करना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। अगर ये स्टेट्स ना हो तो ज़्यादा आसान है। रास्ते में ऐसी कुछ जगह बनाई गई है जहाँ पर आप बैठ कर विश्राम कर सकते हैं। इसी जगह पर मैं बैठा थोड़ा एनर्जी गेन करने के लिए। मेथी का खाकरा खा रहा हूँ। अगर ये 10,000 स्टेप्स हैं तो हम करीब 1500 अभी तक के आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा आरो हिल्स के ऊपर होता है, स्टार्टिंग में स्ट्रेट क्लाइंब होगा, फिर थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और लास्ट में फिर क्लाइंब होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। देखिए वो जो वाइट कलर के हाउसेस दिख रहे हैं वो है वो जगह जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और उस पहाड़ी के पीछे से हम होते हुए ये ट्रैक करके अब यहाँ पहुँचे। वो जो शेल्टर आपको दिख रहा है ना नीचे, वो उस जगह पे खाकरा खा रहे थे। और ये अगला स्टॉप है, अभी 2000 स्टेप हुए हैं कम्प्लीट यहाँ तक। 2000 का मतलब 10,000 में से 8,000 और जाना है। आप इतना ऊपर निकल करके आ गए, शानदार लग रहा है। बड़े दिन बाद इस तरह का ट्रैक कर रहा हूँ और गुजरात में ऐसा ट्रैक कर रहा हूँ, ये खुद में एक बड़ी बात है। ये एक्सपीरियंस शानदार है दोस्तों, हर एक को ट्राई कर लेना चाहिए। तो गिरनार पर्वत याद रखिएगा जब आप पहुँचे जूनागढ़। अपंग और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए डोली की सुविधा उपलब्ध। 50 से 70 किलो वजन के श्रद्धालुओं के लिए 4,000 और 70 किलो से ज्यादा वजन के श्रद्धालुओं के लिए 4,500 रुपए लगते हैं। लीजिए ऐसा लगता है कि अब हरियाली कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी और रह जाएगा तो सिर्फ ऊंचा पहाड़ और पत्थर। इस तरफ नजारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि पांडवों ने भी कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद यहां आकर परिक्रमा की थी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कुछ देर के बाद हरियाली खत्म हो जाएगी और स्टोन वाला एरिया स्टार्ट होगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप देखिए यहां से ये एरिया है जहां से स्टोन स्टार्ट हो रहा है और वो वहां से आप क्लाइंब करते हुए उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर वो चोटी तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो क्लाइंब है वो पेड़ों के बीच में ना होके सीधी धूप में होने वाली है और इस बड़े चट्टान के ऊपर हम चढ़ेंगे। इसे डूंगर कहा जाता है, वैसे लोकल भाषा में इनको डूंगर कहते हैं। जब भी कोई इस तरह का पहाड़ होता है तो ये डूंगर कहलाता है, क्योंकि ये माउंटेन तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। इन सीढ़ियों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। कितने कदम आ गए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मंजिल सामने ही दिख रही है, ज़्यादा दूर है नहीं। ये रास्ते में एक बिल्डिंग है, हैरानी की बात यह है कि बिल्डिंग बनाई किस तरह से गई होगी, बहुत पुरानी लगती है। यहाँ ग्रिल है, लेंटर डला है, इस तरह की बिल्डिंग को इस जगह पे बना पाना खुद में एक अचंभा है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जिस पर लिखा है जय श्री राम। ये श्री राम का मंदिर है कि क्या है, मंदिर तो मंदिर है, भगवान का है, नाम में क्या रखा है, राइट। देखिए ये इस तरह की बिल्डिंग यहाँ पर है और ये नज़ारे खूबसूरत। रास्ते में पीने के पानी की कमी है, तो जब भी आप जाएं तो प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अपने साथ रखिएगा। लीजिए काफी हद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ ग्रीन प्लांटेशन एकदम खत्म है और
सिर्फ रॉकी और माउंटेन एरिया स्टार्ट हो गया है। ये डायरेक्ट स्टेयर्स हैं जो जा रही हैं टॉप की तरफ, वहीं पर है दाता पीर की दरगाह, और ये है वो रास्ता जो चल के यहाँ तक आता है। देखिए आप देखेंगे तो इक्का दुक्का प्लांट नज़र आएगा क्योंकि पूरा रॉक है ये, और रॉक पे स्टेयर्स बनाई गई हैं। मैं आपको दिखा रहा था कि जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं किसी एक हाइट पे, एक लेवल पे, तो वहाँ से आपको देखने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, या ये कहिए कि एंगल चेंज हो जाता है, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। एक नया एंगल आप देखिए उस ट्रैक का, उस रास्ते का, जिसको क्लाइम करके मैं यहाँ तक पहुँचा, इस हाइट पे, इस लेवल तक पहुँचा। स्टार्ट कहाँ से किया था, वहाँ से शुरू करते हैं। वो जो रेजिडेंशियल एरिया नज़र आ रही है वहाँ पर, वो जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। वहाँ से स्टार्ट करके आपको ये जो स्टॉप्स बने जहाँ बैठे हुए थे, जहाँ चाय और हम खाना वगैरह खा रहे थे, वो स्टॉप्स नज़र आएंगे। और उस प्लांटेशन के बीच से होते हुए हम इस जगह पर पहुँचे, यहाँ हमने यहाँ से हम लोग फिर तय करते हुए उस पत्थरों के बीच में से, ये वो मंदिर है जो आपको यहाँ तक पहुँचे। तो ऊपर से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको बड़ा क्लियर व्यू नज़र आता है, क्योंकि एंगल जो पहले सेम लेवल पर होता था, ये एंगल बदल जाता है। तो बर्ड आई व्यू होना बहुत अच्छा रहता है रियल लाइफ में भी, और ऐसे जगह पर भी खूबसूरती बढ़ जाती है चीज़ों को देखने की। तो अगर हम रियल लाइफ में भी ये एक्सपेरिमेंट कर पाएँ कि चीज़ों को थोड़ा ऊपर उठ कर देखें, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी जीने का, और मज़ा आ जाता है ऐसी जगह घूमने का जब आप हाइट पर होते हैं। ज़्यादा रहने गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार सीढ़ियाँ मुझे लेके जाएंगी उस टॉप तक। अब लोड उतना नहीं है, बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, जो गैप था ट्रैकिंग के लिए वो ख़त्म हो गया है। अब तो बस चलते रहिए और एंजॉय करते रहिए। गिरिनार पर्वत ट्रैकिंग के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको जैन टेंपल कॉम्प्लेक्स, अंबाजी टेंपल और दत्तात्रेय टेंपल ले चलूंगा, और साथ ही दिखाऊंगा गिरिनार पर्वत की ऊंचाई से खूबसूरत नजारे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए।